हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी में। दोस्तों, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ निकल के सामने आई है। यूजीसी अपनी गाइडलाइंस लेगा वापस। हाँ जी, न्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाएँ। इससे आपको हमारी हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बड़ी खबर। यूजीसी की गाइडलाइन को वापस लिया जाए, आयसा ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और चांसलर को चिट्ठी लिखकर डिमांड की है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से एग्जाम लिए जाने का निर्देश देने वाली गाइडलाइंस को वापस लिया जाए। इस समय कोरोना वायरस के मामले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और लगभग 25,000 मौत होने के बाद एग्जाम करवाना जानबूझकर स्टूडेंट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। आयसा के प्रेसिडेंट विजय कुमार ने सभी स्टूडेंट संगठनों को अपील की है कि वह इस गाइडलाइन का बायकॉट करें। उन्होंने राष्ट्रपति से इस मामले में दखल करते हुए यूजीसी की गाइडलाइंस को रद्द करने की डिमांड की है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आप भी ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।